नमस्कार दोस्तों, YouTube के अमीर साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं दूध और पानी मिश्रण संबंधित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक ले देख लेंगे तो आपको सिर्फ देखते ही क्वेश्चन को आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन जो आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और है सॉरी है इस मिश्रण में कितना दूध डाला जाए कि नए मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या करना है, जैसे देखिए 3:1 दिया है ना, तो 3:1 यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, 3:1 इस मिश्रण में कितना दूध और पानी डाला जाए कि नए अनुपात का इतना हो जाए, तो पानी यदि 4:1 दिया है। ठीक है दोस्तों, 1 दिया है, तो दोस्तों इस दिया है। ठीक है, तो देखिएगा, तो दोस्तों इसको बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर नहीं, नहीं यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो बराबर नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 में 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा ना, 4 3 12। ठीक, अनुपात क्या आएगा, 4 में 1 से कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, 4 आ गया, जैसे हम 4 में 3 से गुणा किए तो 12 हुआ। ठीक, 4 में 1 से गुणा किए तो 4 हुआ। ठीक है, अब ऊपर से देखिएगा, ऊपर से गुणा करना है, 3 में 4 से कीजिएगा तो 12 हो जाएगा ना, 3 4 12। फिर उसके बाद 3 में 4 से किए, 3 में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिएगा जैसे हम 3 से 3 6 12 हुआ। ठीक है, 3 का 3 3 हो गया। तो दोस्तों इस टाइप का प्रश्न को इसमें क्या करना होता है, बराबर करना होता है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना का अंतर हुआ, 1 का हुआ ना जी, तो 1 का हुआ यहाँ पे। ठीक है, 1 का अंतर हुआ तो क्या करेंगे, जो दिया है कितना लीटर दिया है, 20 लीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 20 गुणे कितना का अंतर हुआ है, यहाँ पे माइनस घटाया गया है। ठीक है, तो 1 का हुआ है। ठीक है, तो 1 लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो दोस्तों इस तरह 1 का अनुपात आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़िएगा, 3 1 4 कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कटाइएगा, कितना बार में कटेगा दोस्तों, 5 4 20। ठीक है, तो 5 × 1 बराबर कितना हो जाएगा आपको, 5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, लीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक बार और समझा दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों 20 लीटर मिश्रण दूध में और पानी का अनुपात 3:1 है, तो इस मिश्रण में कितना दूध डाला जाए कि नए मिश्रण दूध का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को पहले अनुपात लिखेंगे, 3:1 लिखे। ठीक, उसके बाद 4:1 लिखे। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए हम गुणा किए, 4 3 12। ठीक है, तो 4 3 12 उसके बाद इसमें किए तो 4 हो गया, उसके बाद ऊपर से किए 4 3 12, फिर उसके बाद इसमें किए तो 3 हो गया। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें हम घटाए, तो 4 में से 1 गया तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद 20 लीटर दिया, तो 20 लीटर यहाँ पे लिखे,
उसके बाद वन लिखे और जो इसको जोड़ दिए, ठीक है, इसको जोड़ा जाता है तो जोड़ दिए, उसके बाद चार से इसको कटाए तो पाँच हुआ, ठीक है, तो इसका 5 लीटर हुआ, ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। 1 45 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अनुपात को लिखेंगे, कितना दिया है तो अनुपात दिया है 4:1 दिया है, ठीक है, उसके बाद क्या दिया है 3:2 दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे 4 में 3 से तो 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 12 तो 12 यहाँ पे लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे, उसके बाद 3 में 1 से करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर ऊपर से करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, उसके बाद 4 2 9 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको बराबर करने के लिए हम इसको घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। तो दोस्तों उससे पहले क्वेश्चन बताए थे तो इसमें बराबर नहीं हो रहा है, इसको बराबर करना है, तो उसमें बराबर हो जा रहा था, इसमें बराबर नहीं हो रहा, तो दोस्तों बराबर करने के लिए बराबर नहीं होगा तो क्वेश्चन इस तरह बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो कितना दिया है 45 किलो, तो 45 लिखेंगे, उसके बाद कितना का अंतर है, यहाँ पे घटाना है, ठीक है, तो 5 का अंतर है तो ऊपर 5 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब 1 इसका आता, बराबर आता तो इसको जोड़ा जाता, ठीक है, तो अब ये नहीं है तो इसको जोड़ा जाएगा, जो ये दिया है ना इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 12 3 कितना होगा 15 होगा, ठीक है, तो 15 होगा, तो 15 में 45 को कटाएगा तो कितना बार में कटेगा, 15 3 45 3 हाले में कटेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 3 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते होंगे कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों, एक बार और आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, यदि इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए इतना ऐसे पूछा जाएगा, जैसे 45 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो दोस्तों सबसे पहले इसको लेना पड़ेगा 4:1, ठीक है, जो यहाँ पे दिया है, उसके बाद 3:2 यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद दोस्तों इसको बराबर करना होता है, ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए 4 3 12 यहाँ पे लिखे, उसके बाद 3 3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 3 ना होगा, तो उसके बाद दोस्तों ऊपर से गुणा करिएगा, ठीक है, 4 3 12 जो 4 2 9 8 यहाँ पे लिखे, ठीक है दोस्तों। तो इसका अंतर जब हम किए तो 5 आया, ठीक है, बराबर नहीं आया, बराबर आया होता तो 1 आया होता, ठीक है, तो बराबर नहीं हुआ, तो उसके बाद हम 45 किलो दिया तो 45 यहाँ पे लिखे, उसके बाद गुणा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ जाइएगा, उसके बाद 5 लिखे, 5 का अंतर है, ठीक है, तो 5 लिखे, उसके बाद दोस्तों यदि इसका मान बराबर होता, ठीक है, अंतर रहता तो ई होता, ठीक है, इसका बराबर नहीं है तो इसको लेना पड़ेगा, तो इसको 12 3 जोड़े तो 15 हुआ, ठीक है, तो 15 में 45 से कटाए तो कितने बार में कटा, 3 बार में, ठीक है, तो 3 × 5 = 12 और 15 लीटर हुआ, 5 3 15, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे क्या करा क्वेश्चन, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, इस मिश्रण में 5 लीटर पानी
डाल देने से दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाए जाए तो पहले वाले मिश्रण में दूध का कितना था, पहले वाले पूछा है। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखते हैं। देखा जाए क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है, तो सबसे पहले अनुपात लिखेंगे 5:1 दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या दिया, 5:2 दिया है। ठीक है तो दोस्तों इसको अनुपात करने के लिए यहाँ पे तो नहीं दिया है ना, तो इसको डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा। ठीक है तो इसको बराबर करने के लिए दोस्तों इसका अंतर करेंगे, जैसे तो यहाँ बराबर हो गया। ठीक है 1 हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे दिया नहीं है तो दोस्तों क्या मानते हैं, दोनों का मिश्रण क्या मानते हैं, जैसे 1 हो गया तो 1x मानते हैं। ठीक है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, उसके बाद 5 लीटर दे। ठीक है तो x बराबर कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो पहले पहले वाले का मिश्रण पूछ रहा है। ठीक है तो पहले वाले का पूछ रहा है, तो पहले वाले का पूछ रहा है दोस्तों, तो देखिएगा तो दोस्तों जैसे दिया है 5:1 ठीक है लिख दिए, उसके बाद 5:2 तो पहले वाले का पूछ रहा है। ठीक है तो पहले वाले का तो इसका एक होगा, तो मान लेते हैं जैसे दोनों का मिश्रण, तो इसको x बराबर 5 मान लेते हैं, इसको x बराबर 5। ठीक है 5:5 तो दोस्तों जैसे इसका दिया है तो 5 से 5 जैसे पहले का पूछ रहा है। ठीक है तो पहले का मिश्रण 5 है, तो 5 लीटर 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, यदि बाद वाला पूछता, यदि दूध का पानी का पूछता तो कितना होता, 5 होता। ठीक है दोस्तों, यदि पहले वाला का दूसरे वाले का पानी का पूछता तो 5 होता, और पानी का पूछता बाद वाला तो कितना होता, 10 होता। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।